Assalamualaikum and welcome to Wild Rush. हमारी आज की वीडियो एक ऐसी स्पेशीज के ऊपर होने वाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ चोलिस्तान डेजर्ट की एंडेमिक स्पेशीज है, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ चोलिस्तान डेजर्ट में पाई जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए आपको अपनी बॉडी को थोड़ा बूस्ट अप रखना पड़ेगा, आंखों को चौकन्ना रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपके आंखों के सामने से बूम करके चली जाएगी। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा वाइल्ड रश। तो हमारे आज के सब्जेक्ट को हमने अच्छी तरह से भगा भगा के थका दिया है और वो यहाँ पे सांस ले रहा है। मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ प्रॉपर टीम होती है 4 से 5 बंदों की, तो हमने उसको अच्छी तरह से भगाया है। अब वो सब्जेक्ट हमारा वो सब्जेक्ट है झाड़ी के लिए सांस ले रहा है, ज़्यादा भाग नहीं सकता, तो अब उसको पकड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो मिलिए हमारे आज के सब्जेक्ट, हमारे आज के कंटेंट से, जिसका नाम है एरिमियाज चोलिस्तानी का। कितना खूबसूरत है हमारा आज का सब्जेक्ट। ये देखें कितनी खूबसूरत है। सैंड लिजर्ड की बहुत सारी जेनस होती हैं, उन्हीं में से एक जेनस है एरिमियाज। इसको एरिमियाज चोलिस्तानी का इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के डेजर्ट चोलिस्तान में पाई जाती है। इसका ताल्लुक लेसर टाइडी फैमिली से है, क्योंकि इसका ताल्लुक लेसर टाइडी फैमिली से है। और आपको इसके ऊपर लाइनें नज़र आ रही होंगी, यही लाइनें, यही स्ट्राइप इस लिजर्ड की पहचान होती हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो इसको इन लाइनों की वजह से और इसकी फैमिली की वजह से इसको इंग्लिश में स्ट्राइप डेजर्ट लिसर्टा भी कहा जाता है। इसको चोलिस्तान डेजर्ट रेस रनर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ भागती हैं और एक ख़ास लिमिट तक भागती हैं। इसको सैंड लिजर्ड भी कहा जाता है। 2006 में पाकिस्तानी रिसर्चर्स मंसूर एंड बेग साहब ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसकी दुनिया में 40 के करीब इकसाम पाई जाती हैं, पाकिस्तान में इसकी 8 के करीब इकसाम पाई जाती हैं। इसकी बहुत सारी इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ एंडेमिक स्पेशीज को ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और काजिकस्तान में जो है डिस्कवर किया जा चुका है। तो ये जो स्पेशीज है चोलिस्तान एरिमियाज जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में आपको चोलिस्तान डेजर्ट में मिलेगी। तो अब आते हैं इसके नेचुरल हैबिटेट की तरफ, ये किस तरह की जगह पर रहना पसंद करती है। चोलिस्तान में आप पहले इस तरह की जगह को देखें, इस जगह को, इस पैच को यहाँ की लोकल जुबान में डार कहा जाता है। अगर आप कभी इस डार में आएँ, इस तरह की डार में आएँ और आपको आपके सामने से एक तेज़ी के साथ भागता हुआ शेडो साया फील हो, तो समझ लें कि वो है हमारी एरिमियाज चोलिस्तानी का। तो ये डायर्नल होती हैं, मतलब कि डे लाइट में दिन में ये एक्टिव होती हैं और इस तरह की झाड़ियों में, इस तरह की जहाँ भी आपको झाड़ियाँ, आग का पौधा जो होगा वहाँ पे ये छुपे रहना पसंद करती हैं ताकि शिकारियों से महफूज रहें। तो अब आते हैं इसके बॉडी शेप, कलर पैटर्न और टेक्सचर की तरफ। अगर आप चोलिस्तान में हैं और आपने कोई लिजर्ड पकड़ी है तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि वो हमारी एरिमियाज चोलिस्तानी का है। जिस लिजर्ड के ऊपर आपको 6 या 7 लाइनें, 6 या 7 स्ट्राइप नज़र आएँ, समझ लें कि वो है हमारी एरिमियाज चोलिस्तानी का। क्योंकि एरिमियाज चोलिस्तानी का की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके ऊपर 6 या 7 स्ट्राइप्स लाइनें होती हैं। हमारे पास जो है, अभी इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और बड़ी मज़े की बात, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको एक लाइन जो है आखिर पे इसकी नेक के पास से एक लाइन 2 लाइनों में तकसीम होती हुई, डिवाइड होती हुई नज़र आएंगी। इसको बाइफ्रिकेट लाइन कहा जाता है। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो इसकी ये जो लाइनें जो हमने काउंट की हैं 7 थी, तो यहाँ से आके ये 8 हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट वाली 8। तो ये है हमारी एरिमियाज चोलिस्तानी का। और लिजर्ड में एक थर्ड आई होती है, एक तीसरी आंख होती है, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो काश मेरे पास अच्छा कैमरा होता तो मैं आपको बड़ा जूम करके दिखाता। तो ये देखें, यहाँ पे आपको एक बिल्कुल एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, इसको पार्शियल फोरामेन कहा जाता है, इसको थर्ड आई कहा जाता है,
ये थर्ड आई जो है हार्मोनल प्रोडक्शन का काम करती है और बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अब आते हैं इसकी आंखों की तरफ। इसकी आंखें देखें, दो सुप्रा ओक्युलर स्केल इसकी आंखों के ऊपर होते हैं। और इसकी स्नाउट देखें, इसकी थूथनी देखें कितनी लंबी है, इसका मुंह कितना लंबा सा है। और अगर इसके नॉस्ट्रिल्स की बात करें, इसके जो नथने होते हैं वो बिल्कुल देखें स्वेल हुए पड़े हैं, सूजे हुए हैं। तो अब आते हैं इसके खूबसूरत पैरों की तरफ। पैर इसके काफ़ी खूबसूरत लंबे बड़े होते हैं। अगर आप इसके पैरों को गौर से देखें तो अंदर से फ्रिंज होते हैं। फ्रिंज मतलब कि जिस तरह से हमारी कंघी होती है वैसे, और अंदर से बालनुमा रेशे जो हैं वो उभरे हुए होते हैं। अगर आप इसकी टेल की बात करें तो इसकी टेल जो है पेट और सर की नस्बत 2 से 3 गुना लंबी होती है और नीचे से डिप्रेस्ड होती है। तो इसकी पीछे वाली टांगों के दरमियान थाई वाली साइड पे फीमोरल पोर्स होती हैं। वो पोर्स मुख्तलिफ तरह के फेरोमोन्स को रिलीज़ करती हैं, इलाके को, टेरिटरी को मार करने के लिए और दूसरे मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आखिर में बात करते हैं डोर्सल स्केल्स की। वो स्केल जो इसके ऊपर बैक साइड पर होते हैं उनकी तादाद, डोर्सल स्केल्स की तादाद जो होती है 51 से 53 के करीब होती है। और अगर आप वेंट्रल स्केल्स की बात करें जो पेट के नीचे वाली साइड पे होते हैं, वो 13 से 15 तक होते हैं। तो अब आते हैं इनके ब्रीडिंग सीज़न की तरफ। जून और जुलाई ब्रीडिंग सीज़न के लिहाज से इनका पीक का सीज़न होता है। फीमेल जो है इस तरह के दराड़ों में, इस तरह की जगह में 4 से 6 अंडे देती है, जिसमें से मौसम का दर्जा हरारत के लिहाज से मुख्तलिफ टाइम पीरियड में बच्चे निकलते रहते हैं। तो अगर बात करें इनकी खुराक की, ये इंसेक्टोवर्स हैं, मुख्तलिफ तरह के छोटे हशरात, छोटे कीड़े मकोड़े जो है खाते रहते हैं। तो लाइफ टाइम, लाइफ पीरियड की बात की जाए तो 4 से 3 साल तक जो है ज़िंदा रह सकती हैं। तो अगर इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो ये डाटा डेफिशिएंट है, मतलब कि इनके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं है, इनके ऊपर बहुत कम रिसर्च हुई है। तो ये थी डेजर्ट स्ट्राइप लेफेटा चोलिस्तान डेजर्ट रेस रनर के बारे में शोर से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसको मैं एक और नाम दे रहा हूँ, रॉकेट लिजर्ड। तो अभी टाइम है इसको रिलीज़ करने का, आज़ाद करने का। लेकिन आज़ाद करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। अभी आप इसकी स्पीड देखिएगा।